हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग जी। दोस्तों, ये हमारी वन लाइनर जनरल साइंस की सीरीज का छठा वीडियो और जनरल साइंस की सीरीज में जनरल फिजिक्स का पांचवा वीडियो है। इस वीडियो में हम जो वन लाइनर बात करेंगे वो थर्मल फिजिक्स मतलब ऊष्मा भौतिकी के वन लाइनर की इम्पोर्टेंट वन लाइनर की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऊर्जा का वह रूप जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु के बीच तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है क्या कहलाती है, वह रूप ऊष्मा कहलाता है। अगर सिंपल भाषा में बात करेंगे साधारण शब्दों में तो ऊर्जा जो ऊष्मा जो है वह ऊर्जा का ही एक रूप है। ऊष्मा का जो एसआई मात्रक है वो जूल है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल है। ऊष्मा का जो एसआई मात्रक है वही ऊर्जा का भी एसआई मात्रक है मतलब जूल, क्योंकि अभी बात की ऊर्जा और ऊष्मा दोनों एक ही रूप है। ऊष्मा जो है ऊर्जा का ही एक रूप है, तो इन दोनों का जो मात्रक है वो भी सेम रहेगा, जूल ही है। आगे बात करते हैं जूल के अलावा ऊष्मा के अन्य मात्रक जैसे कैलोरी, अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी इंटरनेशनल कैलोरी, ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTH बोलते हैं जिसको, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ये अन्य मात्रक हैं ऊष्मा के। जूल के अलावा कैलोरी, अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी और ब्रिटिश थर्मल यूनिट। आगे बात करते हैं 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है। तो 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा कैलोरी कहलाती है। मतलब 1 ग्राम जल का ताप जब 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, जितनी ऊष्मा लगेगी वह ऊष्मा कैलोरी कहलाती है। तो इस थर्मल फिजिक्स की सीरीज के जो वन लाइनर, इसमें सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ये बहुत बार हर एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इस पे जो है विशेष रूप से चर्चा करेंगे और इस पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम्स में कोई ना कोई एक सवाल जरूर पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 1 ग्राम पानी का ताप 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है, वो अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी कहलाती है। देखिए कैलोरी और अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी में क्या अंतर है। 1 ग्राम जल का ताप जब बढ़ाते हैं 1 डिग्री, उसके लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है वो कैलोरी कहलाती है। और जब हम एक स्पेसिफिक रेंज में मतलब 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाएंगे ऊष्मा जो ताप है पानी का, जो 1 डिग्री यहाँ मतलब 14.5 से और 15.5 डिग्री तक जो ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा होगी वह अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी मतलब इंटरनेशनल कैलोरी कहलाएगी। तो कैलोरी और इंटरनेशनल कैलोरी में यही फर्क है कि कैलोरी सिर्फ 1 डिग्री पानी का 1 ग्राम पानी का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है, और जो इंटरनेशनल कैलोरी है अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी है वो 1 ग्राम पानी का ताप 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। आगे बात करते हैं 1 पौंड पानी का ताप 1 फॉरेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहलाती है। अब देखिए यहाँ पौंड की बात करते हैं, तो जो ब्रिटिश थर्मल यूनिट है जब 1 पौंड पानी की बात करेंगे, 1 पौंड पानी का ताप जो 1 फॉरेनहाइट तक बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होगी वह 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहलाएगी। अब बात करते हैं कन्वर्जन की, रूपांतरण की, तो 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर 252 कैलोरी। जो 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट का मान होता है अगर कैलोरी में उसको निकालेंगे तो 252 कैलोरी होता है, 252 कैलोरीज। आगे बात करते हैं 1 कैलोरी 4.18 जूल के बराबर होता है। 1 कैलोरी 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, तो 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। 1 किलो कैलोरी की अगर बात करते हैं तो 1 किलो कैलोरी बराबर 4.18 × 10³ जूल, मतलब 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 × 10³ जूल। आगे बात करते हैं किसी वस्तु की ऊष्मीय अवस्था क्या कहलाती है। किसी वस्तु की ऊष्मीय अवस्था ताप कहलाती है। अगर इसको और साधारण भाषा में बात करेंगे,
एक अन्य तरीके से तो ताप किसी वस्तु की गर्म या ठंडी अवस्था को प्रदर्शित करता है। ऊष्मीय अवस्था जो होती है उसको क्या बोलते हैं, किसी वस्तु की ऊष्मीय अवस्था को ताप। इसको ही अगर अन्य भाषा में अन्य शब्दों में बोलेंगे तो ताप किसी वस्तु की गर्म या ठंडी अवस्था को प्रदर्शित करता है। जब कोई चीज छूने से गर्म लगती है ठंडी लगती है तो वह चीज उसकी जो है वस्तु का ताप कहलाता है। ताप मापी का प्रयोग होता है वस्तुओं का ताप ज्ञात करने के लिए। ताप मापी का प्रयोग किस चीज के लिए करते हैं, ताप मापी का प्रयोग वस्तुओं का ताप ज्ञात करने के लिए करते हैं। किसी वस्तु की निहित ऊष्मा, उस वस्तु के द्रव्यमान, ताप और वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करती है। जो तीन मेन फैक्टर होते हैं किसी वस्तु की ऊष्मा में, तो उसका सबसे पहले वस्तु का द्रव्यमान, दूसरा वस्तु का ताप और तीसरा वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है वस्तु किस प्रकार की है। ये तीन मुख्य मेन जो फैक्टर्स हैं जिन पे वह किसी वस्तु की ऊष्मा निहित रहती है। हिमांक किसे कहते हैं, हिमांक जमते हुए बर्फ के ताप को हिमांक कहते हैं। किसी जमते हुए बर्फ का जो ताप होता है वह हिमांक कहलाता है। आगे बात करते हैं, ऊष्मा का प्रवाह सदैव उच्च ताप वाली वस्तुओं से निम्न ताप वाली वस्तुओं की तरफ होता है। जो ऊष्मा का प्रवाह है वो वन डायरेक्शनल होता है, मतलब सबसे पहले जो उच्च ताप होगा उससे वो हमेशा निम्न ताप वाली वस्तुओं की तरफ ही ऊष्मा का प्रवाह होगा। तो ऊष्मा का प्रवाह सदैव उच्च ताप वाली वस्तुओं से निम्न ताप वाली वस्तुओं की ओर होता है। आइए आगे बात करते हैं प्रमुख ताप मापी और उनकी मापन क्षमताओं के बारे में, उनकी रेंज के बारे में। किसी न किसी एग्जाम्स में किसी एक ताप मापी की रेंज या फिर उसका सिद्धांत पूछते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तरल ताप मापी, लिक्विड थर्मोमीटर की। तो इसकी जो रेंज है ये -80 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। तरल ताप मापी की जो रेंज है जिसकी जो इसका परास है वो -80 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। तरल ताप मापी में मुख्यतः पारा और एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, और जो एल्कोहल है वो अत्यधिक माइनस में मापन करता है, पारा -80 तक, और उससे ज्यादा सूक्ष्म माइनस में अगर मापन करनी होती है तो हम एल्कोहल का प्रयोग करते हैं। आगे बात करते हैं गैस ताप मापी की। तो गैस ताप मापी का जो रेंज है वो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। इसमें मुख्यतः जो दो गैसें भरी जाती हैं, सबसे पहले एक हाइड्रोजन गैस और जो दूसरी गैस रहती है गैस ताप मापी में वो नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। अब इन दोनों में इसको डिवाइड कैसे करते हैं या फिर इसकी जो है अलग अलग रेंज कैसे निर्धारित करते हैं कि किसमें हाइड्रोजन रहेगा किसमें नाइट्रोजन, तो 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक के लिए हाइड्रोजन गैस का और 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। जब हमको किसी ताप गैस ताप मापी से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक के लिए ताप ज्ञात करना होता है तो हम हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं, और जब 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक के लिए हम नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। आगे बात करते हैं प्लेटिनम प्रतिरोध ताप मापी। इसका जो सिद्धांत है वो प्लेटिनम प्रतिरोध के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। जो प्लेटिनम प्रतिरोध ताप मापी है ये प्लेटिनम प्रतिरोध के सिद्धांत पर कार्य करता है। कई बार इसका सिद्धांत पूछा जाता है, और इसका जो रेंज है प्लेटिनम प्रतिरोध ताप मापी का वो -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। मतलब इससे -200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक के परास तक की ताप का मापन किया जा सकता है। आगे बात करते हैं ताप युग्म ताप मापी की। तो ताप युग्म ताप मापी का जो सिद्धांत है वो सीबेक का सिद्धांत है। ये जो जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वो सीबेक के सिद्धांत पर कार्य करता है। ताप युग्म ताप मापी सीबेक के सिद्धांत पर कार्य करता है, और इसका जो रेंज है वो +200 से लेके 1600 मतलब 200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक के परास में यह मापन करता है। इसकी जो रेंज है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक की है। आगे बात करते हैं एक महत्वपूर्ण जो ताप मापी है, संपूर्ण विकिरण उत्ताप मापी। इसका जो सिद्धांत है वो स्टीफन के नियम पर यह कार्य करता है। जो संपूर्ण विकिरण उत्ताप मापी का जो सिद्धांत है वो स्टीफन के नियम पर कार्य करता है। यह बहुत ही उच्च ताप मापने में प्रयुक्त होता है। जो संपूर्ण विकिरण उत्ताप मापी है इसका प्रयोग बहुत ही उच्च ताप मापने में होता है। तारों के ताप मापन में मुख्यतः इसका प्रयोग किया जाता है, और इसकी रेंज की अगर बात करते हैं तो ये 500 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके
इसके ऊपर तक की रेंज का मापन करता है। मिनिमम इसका जो रेंज है वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड है, इससे लेके ये ऊपर तक की रेंज की मापन करता है। एक अन्य तापमापी की बात करते हैं तो अदृश्य तंतु तापमापी, ये जो है जिस सिद्धांत प्रकार करता है तो ये वस्तुओं की चमक से उसका ताप ज्ञात करता है। अदृश्य तंतु तापमापी है जो ये वस्तुओं की चमक से वस्तुओं का ताप ज्ञात करता है, और इसकी जो रेंज है, इसकी जो परास है वो 600 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 2700 डिग्री सेंटीग्रेड तक, मतलब 600 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 2700 डिग्री सेंटीग्रेड तक के बीच का प्रयास परास ये याद करता है। अब आगे बात करते हैं जो ताप के पैमाने वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले सेल्सियस पैमाना, इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा फारेनहाइट पैमाना, जिसको एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद र्यूमर पैमाना, इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। और इसके बाद केल्विन पैमाना, केल्विन पैमाने को हम के से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद जो मुख्य बिंदु है ताप के पैमाने का आपस में संबंध, मतलब जब एग्जाम्स में पूछते हैं कि इतने डिग्री सेंटीग्रेड को हम इतने फारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फिर इतने डिग्री सेंटीग्रेड का मान फारेनहाइट में कितना होगा, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है तो वो ये है कि सी बाई 100 इज इक्वल टू एफ माइनस 32 अपॉन 180 इज इक्वल टू आर अपॉन 80 इज इक्वल टू के माइनस 273 अपॉन 5, मतलब सी बटे 100 बराबर एफ माइनस 32 बटे 180 बराबर आर बटे 80 बराबर के माइनस 273 बटे 5। अब इस फॉर्मूले से हम कैसे ज्ञात करते हैं, मान लीजिए किसी में हमें सेंटीग्रेड की वैल्यू दे दी है और फॉरेनहाइट पूछता है, तो हम इतने इधर से जो ये जो है इसको हम भूल जाएंगे, हम यहाँ से जिसकी मान लीजिए डिग्री सेंटीग्रेड और फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड की जो वैल्यू दे रखी होगी मान लीजिए 30 है, तो 30 को यहाँ पर हम पुट कर देंगे और इससे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। और मान लीजिए डिग्री सेंटीग्रेड में किसी की वैल्यू दी है, उसका केल्विन में पूछा है, तो हम सी बटा 100 को यहाँ से लेके केल्विन में इसको यहाँ से रख देंगे। उस समय हम फॉरेनहाइट और र्यूमर पैमाने को बंद कर देंगे और सी बटे 100 इज इक्वल टू के माइनस 273 अपॉन 5। इस फॉर्मूले से डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन का आपस में संबंध निकाल लेंगे। इसी प्रकार फॉरेनहाइट में अगर कोई वैल्यू दी है उसका र्यूमर पूछेगा र्यूमर में कितनी वैल्यू है, तो हम यहाँ पर उसकी वैल्यू रख देंगे जो एग्जाम्स में दी होगी और इससे हम आर ज्ञात कर लेंगे। तो इस प्रकार अगर हमें फॉरेनहाइट और सेल्सियस और केल्विन और र्यूमर किसी एक का अगर कोई वैल्यू दी हुई है, कोई एक मान दिया हुआ है और दूसरे का पूछता है, तो हम इस फॉर्मूले से बहुत आसानी से उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो फार्मूला जो है उसको एक बार फिर से नज़र डालेंगे, सी बटे 100 माइनस एफ बटे एफ माइनस 32 अपॉन 180 बराबर आर बटे 80 बराबर के माइनस 273 बटे 5। सी अपॉन 100 इक्वल टू एफ माइनस 32 अपॉन 180 इक्वल टू आर अपॉन 80 इक्वल टू के माइनस 273 अपॉन 5। तो ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे एक सवाल अगर किसी भी फार्मूले में पूछेगा, किसी भी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए पूछेगा, तो इस फार्मूले से हम चारों पैमानों में आपस में कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, आगे वीडियो में हम बात करेंगे इसके आगे की वन लाइनर सीरीज की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड फॉर रेगुलर अपडेट्स सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।